हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जहां के तानाशाह एक समय दुनिया के सबसे स्ट्रांग इंसान माने जाते थे। इस देश में है दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा तेल भंडार। दोस्तों, यहां पर पुरुष के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता ना के बराबर है। एक ऐसा देश जहां पर 50% शादियां अपने ही चाचा के बेटे बेटियों से हो जाती है। आज हम आपको बताने वाले हैं सद्दाम हुसैन के देश इराक के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहिए। इस देश के बारे में आप बहुत ही रोचक बातें आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज जल्दी से कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इराक। देश की कुल पॉपुलेशन है 4 करोड़ के आसपास। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 93 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर आपको नजर आएंगे। इराक एक इस्लामिक देश है जहाँ पर 73% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं 27% लोग गांव में बसते हैं। देश की औसतन उम्र है मात्र 21 साल। इराक की राजधानी का नाम दोस्तों बगदाद है और यही इस देश का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, इराक का अरेबिक में मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर पानी की कोई कमी ना हो, जहां की जमीन बहुत उपजाऊ हो और जहां पर हमेशा खुशहाली रहे। हालांकि इनमें से कोई भी बात मेल नहीं खाती, क्योंकि यहां पर पानी की भी कमी है और यहां की जमीन भी इतनी उपजाऊ नहीं है, साथ ही यहां के लोग भी बिल्कुल खुश नहीं है। ये है इस समय का इराक। दोस्तों, सद्दाम हुसैन का नाम कौन नहीं जानता। एक समय ये इराक के ही तानाशाह थे। इन्होंने इस देश की बागडोर साल 1989 में अपने हाथों में ली थी और उसके बाद ये साल 2003 तक इस देश के प्रेसिडेंट रहे। कहते हैं इन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया, तो इस देश के लोगों से बहुत कुछ छीना भी है। कई लोग की मौत हो गई, कई लोग को घर से बेघर कर दिया गया और देश के कुछ लोग के साथ पूरी तरह से नाइंसाफी होती रही। हालांकि जो इनके सपोर्टर्स थे, उनका कहना था और आज भी यही कहना है कि सद्दाम हुसैन जैसा नेता इस देश को बना सकता है। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दी गई। हालांकि उसके बाद भी इस देश के हालात में कुछ खास बदलाव नहीं आए। इनफैक्ट यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये देश और भी बैकफुट पर चला गया। यहाँ के लोग आज भी अपने जीवन को बेहतर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, जिस साल सद्दाम हुसैन इस देश के तानाशाह बने, उसी साल इस देश में कराटे वाली फिल्में पूरी तरह से बैन हो गई। कहा गया कि इस तरह के फिल्मों से देश के लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता है, साथ ही इस देश में कराटे खेल को भी बंद कर दिया गया था। आप सोचिए, सद्दाम हुसैन को इस गेम से कितनी नफरत थी। इराक की महिलाओं के पास आज भी बहुत कम अधिकार हैं। यहाँ पर महिलाओं को घर पर ही रखा जाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, आज के दिन भी इस देश में पुरुष के मुकाबले महिलाएं आधी से भी कम पढ़ी लिखी हैं। इराक का लिटरेसी रेट 90% के आसपास है, जिसमें से यहाँ की महिलाएं सिर्फ 50% ही पढ़ी लिखी हैं। यहाँ आज के दिन भी कई लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता। लोगों के माइंडसेट ऐसे हैं कि ये सोचते हैं यहाँ पर लड़कियाँ सिर्फ घर में काम करने के लिए ही बनी हैं। दोस्तों, सद्दाम हुसैन जब इस देश के तानाशाह बने थे, तब इराक ने 2 लड़ाई लड़ी थी। ये था 1980 में ईरान और 1990 में कुवैत के ऊपर हमला। हालांकि आपको बता दूं, दोनों ही आक्रमण इराक के पूरी तरह से असफल रहे थे। लेकिन बात ये थी कि इस हमले की वजह से न सिर्फ ईरान और कुवैत को बड़ा नुकसान हुआ, बल्कि इराक को खुद भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत गरीब होते चले गए। दोस्तों, यही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस बात को समझने के लिए कि लड़ाइयों से कुछ भी हासिल नहीं होता, और कुछ लड़ने से अच्छा होता तो इराक बहुत आगे निकल गया होता। इराक के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बेसिकली बहुत ही गुस्सैल नेचर के इंसान होते हैं। हर बात पे ये तुरंत गर्म हो जाते हैं। कभी तो यहाँ के लोगों का माइंड कंस्ट्रक्टिव से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। आज अगर ये देश इतनी परेशानी में है, तो यहाँ के लीडर का ही बड़ा हाथ है इसमें, जिन्होंने किसी के साथ भी अच्छे संबंध नहीं बनाए। दोस्तों, इराक ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया साल 1948 में और आज तक सिर्फ एक ही मेडल जीत पाया है। 1960 समर ओलंपिक्स, जो कि रोम में खेला गया था, उसमें इन्हें एकमात्र मेडल मिला था और उसके बाद आज तक इन्होंने कुछ भी खास नहीं किया। ये बताने के लिए काफी है कि इस देश के लोगों के बीच में सिर्फ राजनीति को ही अहमियत दी जाती है। सब कुछ यहाँ पर राजनीति के बाद ही आता है। दोस्तों, इराक की महिलाएं बहुत ही खूबसूरत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि जब इस देश ने 2 लड़ाइयां लड़ी थी, उस समय बहुत सारी लड़कियों को गलत काम पर लगा दिया गया था। आप समझ सकते हैं ये कितना घिनौना काम होगा। इस सब गलत काम की वजह से इस देश की दुर्दशा हुई। दोस्तों, हमारे देश की तरह ही इराक भी कई सालों तक ब्रिटेन का गुलाम रहा। हालांकि हमसे पहले इसने आजादी हासिल कर ली। 3 अक्टूबर 1932 को इस देश ने आजादी हासिल की। इससे पहले ये देश सदियों तक तुर्क शासन के अधीन रहा। इराक को बंकर का देश भी कहा जाता है। इस देश में हर जगह आपको बंकर देखने को मिल जाते हैं और इसके पीछे रीजन है यहाँ की लड़ाई।
इस देश का रिश्ता आसपास के देशों से अच्छा नहीं रहा और उसके बाद इनके ऊपर भी हमले होते रहे, जिसे देखते हुए यहाँ पर बहुत ही गहरे और बड़े बड़े बंकर्स बनाए गए। 201 समय में इराक की राजधानी शहर बगदाद में झूठी और उलझी हुई भूमिगत सुरंगों का बड़ा नेटवर्क बना हुआ था, जो कि कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। इन सुरंगों में हजारों इराकी लोगों को अस्पताल और सैन्य कमांड पोस्ट को रखा जा सकता था। जनरल सद्दाम हुसैन युद्ध के समय अपनी सुरक्षा के लिए तहखानों और सुरंगों के निर्माण का आदेश दे रहे थे, और तो और इन सुरंगों के निर्माण की कीमत तेल के रूप में अदा की गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी, इराक देश के ऊपर ये तक आरोप लगा है कि यहाँ की सरकार ने दुनिया को तबाह करने के लिए वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका का कहना ही था, जो कि इस देश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अमेरिका ने इस देश के ऊपर हमला भी किया, लेकिन सबूत नहीं मिले कि इराक दुनिया को तबाह करने के लिए कोई वेपन बना रहा है। आज भी ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई देशों का मानना है कि अमेरिका ने यहाँ के तेल को अपने कब्जे में लेने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची, लेकिन क्या सच है ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, इराक में आज भी कोई इंसान अमेरिका के पक्ष में कुछ बोल नहीं पाता। इसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ के लोग का मानना है कि अमेरिका ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। हालांकि ये बात भी सच है कि अमेरिका की यहाँ पर दहशत रही है। साल 2011 तक अमेरिका की सेना भी इस देश में थी। इराक का एक चिड़ियाघर है दोस्तों, जिसका नाम है बगदाद ज़ू। वो दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ पर आज भी तकरीबन 600 से ज्यादा जानवर है, साथ ही कई तरह के पक्षी भी ज़ू में है। लेकिन साल 2004 के बाद से यहाँ पर लगातार जानवरों के मरने की खबर आती रही। आज के समय में ज़ू का हाल बहुत ही खराब है। इराक के लोग दोस्तों दो भाषा सबसे ज्यादा बोलते हैं, एक है अरेबिक और दूसरी है कुद्र। यहाँ आने वाले लोगों को कम्युनिकेट करने में परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर दो दो भाषाएं बोली जाती हैं। साथ ही आपको बता दूं, यहाँ के लोगों के बीच में इंग्लिश ना के बराबर ही लोकप्रिय है, इसलिए टूरिस्ट को यहाँ पे परेशानी होती है। दोस्तों, इस देश का तेल और यहाँ का शहद सबसे ज्यादा पॉपुलर है और कमाई करने का सबसे बड़ा साधन भी है। शहद को बनाना और उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना, ये इराक के लोगों का बड़ा कारोबार है। यहाँ से दुनिया के हर देश में शहद को भेजा जाता है। लगभग सभी इराकी परिवारों के लिए मधुमक्खी पालन करना खाने और आय का एक बड़ा जरिया है। तेल प्रोडक्शन और हनी मेकिंग, ये दो ऐसे काम है इस देश में जिसकी वजह से यहाँ के लोग रोजगार हासिल कर पा रहे हैं। इराक का खाना दुनिया भर के लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर नॉनवेज की एक से बढ़कर एक आइटम्स बनाए जाते हैं। मीट बॉल यहाँ का सबसे फेमस खाना है, जिसमें मीट के टुकड़े को बॉल की तरह रोल किया जाता है। यहाँ का खाना खाने के बाद आप खुद ही कहेंगे, वाह मजा आ गया, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। साथ ही हमारे देश की तरह यहाँ भी खाने में या खाने के बाद दही का इस्तेमाल इराक के लोग बखूबी करते हैं। देखिए, खाने की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इराक में आपको ब्रेड के एक से बढ़कर एक आइटम्स खाने को मिल जाते हैं। यहाँ के रोड पर आपको सुबह 5 बजे से ही कमाल की ब्रेड्स देखने को मिल जाती हैं। इनका साइज भी बहुत बड़ा होता है। यहाँ के लोग ब्रेड का सेवन हर डाइट के साथ करते हैं, चाहे वो वेज हो या फिर नॉन वेज। ब्रेड पर हनी लगाकर खाना यहाँ के लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर है। 200 टाइग्रिस और यूफ्रेट्स इराक की दो मुख्य रिवर्स हैं। ये नदियाँ इराक की जमीन को अधिक उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इस देश में गन्ने की भी बड़े लेवल पर उपज की जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर फल और कॉटन को भी उपजाया जाता है, जिसे बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। हालांकि इनकी उपज हाल ही के दिनों में थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी औसतन ठीक ठाक ही चल रही है। एक और खेती जो कि यहाँ के लोग करते हैं वो है तंबाकू की। इस देश में सब चलता है भाई सब। आपको जानकर हैरानी होगी, इराक में नक्षत्रों के आधार पर भाग्य के बारे में बताने की शुरुआत बहुत पहले हो गई, और हमें अब तक यही लगता था कि भाई ये तो बस अपने देश के बाबाओं का आविष्कार है। आप समझिए, इस देश ने क्या क्या नहीं दिया। इस देश ने बहुत कुछ दिया है दुनिया को। साथ ही कहा जाता है कि इस देश में भी लोग अपने ज्यादा अपनी किस्मत पर डिपेंडेंट है। अगर किसी ने इन्हें कह दिया कि आप पैसे वाले बनने वाले हैं, तो आप समझिए यहाँ के लोग इस बात को सच भी मान लेते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर फेक बाबाओं का बड़ा मान सम्मान होता है। दोस्तों, इराक की संस्कृति में डांस ने हजारों सालों से अहम भूमिका निभाई है। इराक की नृत्य शैलियों में से एक हजार जो बेली डांसिंग के समान है, लेकिन इसमें भाई कूल्हे की जगह गर्दन और हाथों के मूवमेंट ज्यादा होते हैं। इस नृत्य शैली के लिए महिलाओं के बालों का लंबा होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इसमें बाल घुमाना शामिल है। दोस्तों, इराक ने दुनिया को एक से बढ़कर एक चीजें दी हैं। यकीन ना हो तो मैं आपको बता दूं, इराक ही वो देश है जिसने पूरी दुनिया को ये बताया है कि 1 घंटे में 60 मिनट हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आज भी हम इसी बात को मानते हैं। हम क्या पूरी दुनिया इसी बात को फॉलो करती है। सभी दोस्तों, दुनिया की लोकप्रिय कहानियों में से एक अली बाबा और 40 चोर की कहानी इराक में ही लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी।
इराक की करेंसी है दोस्तों दिनार, जो देनी से निर्मित हुआ। लैटिन भाषा में देनी का अर्थ 10 होता है। एक इराकी दिनार लगभग 20 भारतीय रुपए के बराबर होता है। इस देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इतना तेल है इस देश के पास कि ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की कमजोर लीडरशिप ने इस देश का बंटा धार कर दिया। तभी तो कहते हैं इनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। दोस्तों आज भी इराक के कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची। आज भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर रास्ते तो है ही नहीं चलने की। आप समझ सकते हैं रूरल इराक का क्या हाल है। बड़े शहरों को छोड़ दें तो रूरल एरिया में हेल्थ के नाम पर कुछ भी नहीं है। बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट की जगह यहाँ के सरकारों ने वॉर लड़ने में पैसे खर्च कर दिए। दोस्तों क्या आपने स्केल वाइपर सांप का नाम सुना है? अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। जो किसी को काट ले तो उसकी मौत बिल्कुल पक्की है। ये सांप भी इसी देश में पाए जाते हैं। तो जब भी आपको इराक जाने का मौका मिले तो जरा संभल कर रहिएगा, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि इस समय तो इराक जाना कोई पसंद नहीं कर रहा है, और इराक क्या कहीं भी जाना नहीं कर रहा है, टाइम ही ऐसा है। तो दोस्तों ये था देश इराक, कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या कभी आपने इस देश की सैर की है? अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।